बुलंदशहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या जनपद में अब 61 हो गई है। कल रात आई 3 लोगों की रिपोर्ट में 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि खुर्जा के मोहल्ला पीरजादगंज निवासी 56 वर्षीय अब्दुल वहीद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाद मरीज को देर रात बुलंदशहर के L1 हॉस्पिटल चिट्टा में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं मरीज के परिवार के 7 सदस्यों को भी क्वारंटीन सेंटर खुर्जा में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खुर्जा निवासी 56 वर्षीय अब्दुल वहीद हृदय की बीमारी से ग्रस्त हैं और उनका 4 मई से खुर्जा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इनके संक्रमित होने के संदेह पर 3 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कल रात आई रिपोर्ट में 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आए मरीज को बुलंदशहर के L1 JP हॉस्पिटल चिट्टा में भर्ती करा दिया गया है, जबकि मरीज के परिवार को भी क्वारंटीन फैसिलिटी में भेजा गया है। खुर्जा तहसील में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, जिसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा उसके घर का इलाका हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जा रहा है। गौरतलब है कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 61 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1 डॉक्टर की मौत हो चुकी है, जबकि 35 लोग ठीक हो चुके हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? नंबर 1, यदि किसी स्थान पर 1 कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आता है तो उसके आसपास 1 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, यानी इस एरिया में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम और सैनिटाइजेशन टीम की अनुमति दी जाती है। नंबर 2, हॉटस्पॉट क्षेत्र में 28 दिन तक बैंक और राशन की दुकानें बंद रहेंगी। इस बीच अगर इस इलाके में कोई और संक्रमित नहीं मिलता है तो उस इलाके को ग्रीन जोन में परिवर्तित कर दिया जाता है। नंबर 3, हॉटस्पॉट इलाके में सभी सामान की होम डिलीवरी जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 4, मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर सहित एम्बुलेंस हॉटस्पॉट एरिया में रहेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट भी हॉटस्पॉट एरिया में जारी की जाएगी। बुलंदशहर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या अब 61 तक पहुंच गई है। बुलंदशहर के इस वक्त खुर्जा में मौजूद हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। आपको दिखा दें, पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरा इलाका सील कर दिया गया है, जिसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची है, जो घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। इसके अलावा दवाइयाँ जो लोगों को वितरण की जा रही है, भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है। आपको बता दें, देर रात आई रिपोर्ट के अनुसार खुर्जा के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें जनपद के JP चिट्टा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो L1 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इसके अलावा जो उनके संपर्क में आए लोग हैं, उन्हें क्वारंटाइन के लिए खुर्जा आश्रय गृह में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जो नगरपालिका की टीम है, वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचेगी। जो पूरा इलाका है उसे सैनिटाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।